सोमवार 18 अक्टूबर को पंजाब मंत्रिमंडल ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के पानी का बकाया बिल माफ करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के देखते हुए यह घोषणा की गई है। पंजाब सरकार की तरफ से लिए गए इस फैसले से राज्य पर करीब 1800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। साथ ही इसके अलावा मंत्रिमंडल ने पानी का कर 50 रुपए प्रति माह तय करने का भी निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल की इस बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि हम सभी शहरों में करीब 700 करोड़ रुपए के पानी के बकाया बिल को माफ कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा गांव में पंचायतों के पानी के लंबित बिल भी माफ किए जाएंगे, उस पर लगभग 1168 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं चन्नी ने कहा कि मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि ट्यूबवेलों में जलापूर्ति करने पर बिजली से जो भी बिल आएंगे उन सभी बिलों का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रुप डी के पदों के लिए नियमित आधार पर नियुक्तियां करने का भी निर्णय लिया है। आपको बता दें चपरासी चालक आदि के पद ग्रुप डी में आते हैं। स्काई न्यूज ग्लोबल रिपोर्ट। शहर जेड़े पानी दे रेट है फ्लैट रेट किता है ते उदे विच 700 करोड़ रुपये दे बकाए है जेड़े लोकां दे खड़े 700 करोड़ समर्थ ना होण करके दे नहीं रहे लोग। इस करके असी ओ 700 करोड़ रुपये पर अज लीक मार रहे हैं, पुराने पानी दे बकाए सारे शहरां दे माफ कर रहे ते जेड़ा पानी दी टैंकी पर ट्यूबवेल लग्या होया मेरे खरड शहर दे विच मैं रहिंदा 45 ट्यूबवेल है उन्हां दे सारिआं दे बिल अगे तो पंजाब सरकार भरेगी। एक बहुत बड़ी राहत शहरां दे हर वर्ग दे हर परिवार नूं असीं दे रहे जिहड़ी कि 700 करोड़ रुपये असीं उन्हां दा पानी दा बकाया माफ कर रहे हैं ते नाल ਅਸੀਂ 1168 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ।